हाई कोर्ट पटना का बड़ा फैसला। नियोजित शिक्षकों के हक में हाई कोर्ट पटना ने सुनाया आज बहुत बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग को लगा बड़ा झटका। तो पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहे। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। जैसा कि आपको बता दें, पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के हक में आज फैसला सुनाया है, बहुत बड़ा फैसला सुनाया। नियोजित शिक्षकों की टेंशन हुई खत्म। हाई कोर्ट पटना ने शिक्षा विभाग के आदेश पर लगाई रोक। आज का दिन नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छा था। पटना हाई कोर्ट ने आज के नियोजित शिक्षकों के राज्य के नियोजित शिक्षकों को बहुत बड़ी जीत मिली है। हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पेपर में आज एक बहुत अहम और बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जो शिक्षकों के लिए काफी बड़ा है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव ने एक पत्र जारी कर सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को आदेश दिया था कि विद्यालय का प्रभार अब से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विद्यालय में अध्यापक रहेंगे, यानी बीपीएससी शिक्षकों को प्रभार देने को लेकर पत्र जारी हुआ था। शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव ने पत्र जारी कर यह आदेश सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया था कि अब से प्राथमिक विद्यालय में या मध्य विद्यालय में या उच्च उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नियोजित शिक्षक विद्यालय के प्रभार में नहीं रहेंगे, बल्कि विद्यालय का प्रभार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक बिहार के नियोजित शिक्षकों से भारी होंगे। इस संबंध में शिक्षा सचिव ने पत्र जारी किया था। इस पत्र को जारी करते ही पूरे बिहार में खलबली मच गई थी। शिक्षा सचिव ने पत्र जारी कर नियोजित शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक शिक्षकों में नियुक्ति कर दिया और विद्यालय अध्यापकों को बढ़िए मानते हुए उन्हें विद्यालय का प्रभार देने का आदेश दिया था। जबकि बिहार के नियोजित शिक्षक 2003 से 5, 2007, 8, 10, 14, 16, 18, 22 से कार्यरत है। इनकी संख्या लगभग पूरे राज्य में 3.5 लाख है। शिक्षा सचिव के इस आदेश को चुनौती देते हुए बिहार के नियोजित शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस केस की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने आज बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि हर हाल में बिहार के नियोजित शिक्षक ही लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक से सीनियर होंगे, यानी बीपीएससी से आपको नियोजित शिक्षक सीनियर होंगे और विद्यालय के प्रभार में नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय का प्रभार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को नहीं दिया जाएगा। विद्यालय अध्यापक बिहार के नियोजित शिक्षकों से सीनियर। हाई कोर्ट केस के फैसले में लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को खुशी की लहर दौड़ गई। हाई कोर्ट के आदेश से अब नियोजित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक से सीनियर माने जाएंगे। तो इस तरह आपको बता दें कि कल पटना हाई कोर्ट में एक बड़ा फैसला जो शिक्षकों के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में सुनाया है और इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा है। शिक्षा विभाग के आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।